बहुत लोग इस बात को एग्री करेंगे कि सूरज की रोशनी नहीं ले रहे हो तुम, सनलाइट नहीं ले रहे हो, थोड़ा सा भी घर से बाहर निकलते हो मुंह बांध के हैंड ग्लव्स वगैरह लगा के। लड़कियों की बात नहीं, लड़कों की भी बात कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त हुआ करता था कुछ टाइम पहले तक, पूरा छोकरी माफिक, मतलब उसने किसी सेमिनार में गया था, एमवे कंपनी के सेमिनार में गया था ब्यूटी प्रोडक्ट वाले में। अब वहाँ सेमिनार में किसी ने उनसे यह कह दिया कि भाई आप रात को भी काले हो सकते हो अगर आप एक्सपोजर में रहोगे, कार के अंदर बैठे बैठे भी काले हो जाओगे। तो वो बंदा कार में एसी ऑन करके पूरा मुंह बांध के हाथ वाथ बांध के घूमता था, रात को बाइक में निकल रहा है पूरा हैंडल्स लगा के मुंह बंडाना पहन के चश्मा लगा के घूमता था, सिर्फ इसलिए कि वो काला नहीं होना चाहता। नमस्ते है जी, मैं हूँ डॉक्टर मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि थोड़ी टैन स्किन सबको पसंद आती है, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। स्पेशली मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, जो मेल्स होते हैं, माचो होते हैं, अल्फा होते हैं, अगर एकदम छिले हुए आलू की तरह चिकने दिखेंगे किस लड़की को पसंद आता है? जाओ जाके पूछो हर लड़की से, क्या तुमको एकदम चिकने छिले हुए अंडों की तरह दिखने वाले लड़के पसंद आते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। लड़कियों में भी कोई लड़का किसी बेचारी टाइप लड़की को पसंद नहीं करता, हर लड़का एक स्ट्रांग लड़की को पसंद करता है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो हर फिल्मों में जो हीरोइंस होती हैं उनको जाके देख लो, उन्हें स्ट्रांग दिखाया जाता है, उन्हें खुला दिखाया जाता है। कभी भी कोई हीरोइंस मुंह बांध करके गाड़ी चलाते हुए नहीं दिखाते, सब ओपे खुले बाल, खुली आँखें, खुला मतलब स्ट्रांग। कि जब भी कोई लड़की स्ट्रांग दिखती है लड़कों को वो अट्रैक्ट करती है। तो सनलाइट से, धूल से, धूप से बचना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी बेचने वाले आके आपको चूतिया बना रहे हो और आप बन रहे हो, तो प्लीज़। सबसे अच्छा टाइम सनलाइट का होता है सूर्य उदय के 2.5 घंटे तक, किसी भी मौसम में 2.5 घंटे तक का जो टाइम होता है सनलाइट के एक्सपोजर के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ तक कहूँगा कि छत पे जाओ खाली जगह पे और निकर पहन के, शॉर्ट्स पहन के, छोटे छोटे कपड़े पहन के बॉडी के मैक्सिमम पार्ट को सनलाइट के एक्सपोजर में लेकर के आओ, जैसे गोवा बीच में लोग करते हैं ना। एक्सपोजर के लिए सबसे अच्छा जगह होता है आपके शरीर का जो सबसे ज़्यादा फैट वाला हिस्सा, जैसे कि एब्स फैट वाला हिस्सा होता है, थाइस, ग्लूट्स, बम्स, ये सारे हिस्से, पीठ, पीठ का जो हिस्सा होता है ये फैटी हिस्सा जो होता है सबसे बेस्ट होता है। वहाँ सनलाइट पड़ने से ही सबसे ज़्यादा आपको विटामिन डी मिलता है और डिप्रेशन के लिए सबसे आरामदायक जो हॉर्मोन्स, जो केमिकल चाहिए होते हैं वो आपको उस हिस्से से ही मिलता है। तो रोज़ कम से कम 10 मिनट के लिए इस तरह से खुल के अच्छे से आराम से छत पर जाके बैठो, ओपन एरिया में जाके बैठो और सनलाइट का मज़ा लो। और बहुत ज़्यादा खुद को छुपा के घूमना कभी अच्छा नहीं होता। एक और बात, जितना ज़्यादा आप खुद को कवर करके, लड़कों लड़कियों सबके लिए बोलो, जितना ज़्यादा आप खुद को कवर करके रखते हो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो होता है। तो डिप्रेशन का ये भी एक कारण होता है कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा छुपा के रखना सीख गए कि किसी के सामने ओपन होने में आपको शर्म आने लगती है, आपको सबकॉन्शियस माइंड तैयार ही नहीं हो पाता पब्लिक में इस तरह से खुल कर बात करने के लिए, खुल कर अपने आप को एक्सपोज करने के लिए। दोस्तों बात ऐसा है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत मासूम है और अल्टीमेटली बेहद खूबसूरत है। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छी ऐसी बातों के साथ, तब तक के लिए नमस्ते अजी।